कल हम लोग जो पढ़े थे आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंतर्गत जो पढ़े थे यूनिट थ्री में ही आपका चल रहा है। यूनिट थ्री में ही आपका एक था आपका यूनिट थ्री में पहले हमने पूरा क्या पढ़ लिया था बेसिक, एक चैप्टर उसका रह गया था तो आज बता दूंगा मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और इसी में चैप्टर शामिल है आपका पदार्थ, मतलब पदार्थ एवं उनके प्रकार, ये पूरा आपका यूनिट थ्री में ही है ठीक है, जिसमें हमने बेसिक के मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़े थे वो हम पढ़ चुके थे, पदार्थों एवं उनके प्रकार में हम पढ़ चुके थे, किसके चालक के बारे में पूरा समझ चुके थे, चालक के कुछ चार पांच चीजें रह गई थी जिसमें मैग्नीन और यूरेका ये दो इंपोर्टेंट चीज है, इनसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। नाइक्रोम तक हम समझ लिए थे, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा हम टिन को पढ़ लें, किसको पढ़ लें टिन को, टिन और लेड दो धातुएं होती हैं आपकी जो आपकी चालक के अंतर्गत आती हैं। एक कौन सी होती है कल जो पढ़े थे हम कितने पांच नंबर छह नंबर तक पढ़े थे, आज जो सातवें नंबर पे आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो टिन, नोट करते रहिए आप लोग क्या है टिन। टिन जो है टिन एक चालक धातु है जिसके हम बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं चालक, चालक में टिन जो है यह एक सफेद रंग की अत्यधिक नर्म एवं जंगरोधी धातु है, क्या है नर्म एवं जंगरोधी और कलर इसका कौन सा है सफेद, ऐसा कलर है सफेद कलर है ठीक है, किसका टिन का। यहीं पर आपका जो टिन में है वो इंपॉर्टेंट है आपका, इसका उपयोग काय में तो शीशे के साथ मिश्र धातु के रूप में लिया जाता है, इसका उपयोग क्या है शीशे के साथ मिश्र करके, मिश्र को बोलते हैं हम मिश्रण, क्या बोलते हैं यार आप लिख दो मिश्रण करके उपयोग किया जाता है। अब आप ये बताइए मुझे किसकी बात कर रहा है, ये शीशे की, किसकी बात कर रहा शीशे की, इसकी बात कर रहा। पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि टिन आपका एक चालक कंडक्टर है ठीक है, लेकिन जो चालक कंडक्टर है इसका उपयोग किसके साथ किया जाता है शीशे के साथ मिश्रण करके उपयोग किया जाता है। अब मिश्रण करके उपयोग किया जाता है लेकिन काय में किया जाता है वो तो हमको पता हो, मिश्रण करके यूज तो किया जाता लेकिन काय में किया जाता, तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो मिश्रण करके उपयोग किया जाता है और किसमें किया जाता है तो फ्यूज बनाने के लिए, जो फ्यूज होते हैं फ्यूज बनाने में जो आपके जो फ्यूज होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। अब फ्यूज कैसे, जैसे मतलब आपके कटआउट वगैरह जो होते हैं, कटआउट आपने देखे होंगे पहले जैसे कटआउट चलते थे और उन कटआउटों में यहां से हम एक फ्यूज बना के लगाते थे, चिरमिट्टी के जो कटआउट होते थे उनमें जो फ्यूज वायर का यूज किया जाता था, जो फ्यूज जो वायर होता था ये वाला जो वायर है वो टिन और लेड का मिश्रण करके बनाया जाता था। हमने देखा होगा कौनों में लोग एल्युमिनियम का वायर लगा देते हैं, खेतों में जो कटआउट होता है उसमें एल्युमिनियम या कॉपर का वायर लगा देते हैं, उसका काम क्या होता है जब करंट का मान अधिक हो जाता है तो वो उसको क्या कर देता है कट कर देता है, कट मतलब उसको रोक देता है या वो टूट जाता है, वायर का कनेक्शन यहां से टूट गया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इनपुट यहां से आना क्या हो गई बंद हो गई, ये इनपुट आई आपकी और यहां से आपका क्या आता है आउटपुट आता है, जो यहां से सप्लाई आ रही है वो वायर का लोड ज्यादा पड़ गया तो क्या हो गया टूट गया वायर, और जो वायर टूट जाता है तो वायर टूटने से आपकी इनपुट सप्लाई आना बंद हो जाती है जिससे आपकी मोटर या कोई इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होता है सुरक्षित रहता है, तो ये टूटता क्या है ओवरलोड होने पर,
कब टूटता है, ओवरलोड, या तो आपका ओवरलोड हो जाएगा या आपका करंट वगैरह या वोल्टेज एकदम से विद्युत का मान बढ़ जाता है, तब जाके आपका ये कट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, फ्यूज किसका बना होता है, किसका बना होता है, ऐसे क्वेश्चन आप लिख लिया था, क्वेश्चन ये है आपका जो उठेगा, फ्यूज किसका बना होता है। अब आपको मालूम है कि फ्यूज जो बना होता है, आपने अभी पढ़ा, किस किस को पढ़ लिया आपने, टिन प्लस लेड, जिसको हम सीसा बोलते हैं, इसका लेड बोला जाता है, सीसा इसको हिंदी में बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, टिन और लेड दोनों को मिलाकर ही आपका क्या बनता है, फ्यूज वायर बनता है, दोनों को मिलाकर। अब कोई भी चीज किससे ली जाती है, हंड्रेड से, ये सबको पता होगा, कोई भी चीज का मान जब हम रखते हैं तो कैसे रखते हैं, हंड्रेड से ही रखते हैं, तो जब हंड्रेड ये होता तो क्या ऐसा किया जाता, फिफ्टी प्लस फिफ्टी ऐसा किया जाता, कैसा किया जाता, इसको जब भी रखते हैं, जो रखने का उत्तम उपाय है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि फ्यूज किसका बना होता, आपने टेनोलाइट लिख दिया या टेनो सीसा लिख दिया, लेकिन फिर वो अगर कई बार ऐसा दे देता है कि फ्यूज वायर जो होता है टिन और सीसे को मिलाकर बनाया जाता है, ये हमको पता, दोनों चालक धातुएं हैं, दोनों को मिलाकर आपने फ्यूज बनाया, लेकिन इनकी मात्रा किस प्रकार से होती है, तो कई बार ऐसा दे देता है, 40 क्वेश्चन वन दे दिया उसने, 40 इंटू मतलब 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत ऐसा दे दिया, मतलब टिन पहले है, टिन की मात्रा 40 है और लेड बाद में इसकी मात्रा 60 है, दूसरे बी में आपको दे देगा, उसमें दे देगा 60 प्रतिशत 40 प्रतिशत, मतलब 60 प्रतिशत टिन है और 40 प्रतिशत लेड है, सीसा जिसको हम बोलते हैं, तीसरे में आपको क्वेश्चन में दे देगा 50 प्रतिशत 50 प्रतिशत ये आपको दे दिया उसमें, इसके बाद कहो नेक्स्ट में आपको दे दे डी में आपको दे दे अपने हिसाब से जैसा आपको लगे वैसा कर दो, मतलब कोई भी दे दो मान, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे विकल्प में क्वेश्चन ज्यादा पूछता थ्योरी में। अब आप टिक लगाओ, सारे क्वेश्चन विकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय मतलब टिक मार्क वाले। अब यहां पर दिक्कत यह बनती है कि हमको यह पता है कि टिन और लेड का यूज किया जाता है, लेकिन हमको यह पता नहीं है कि टिन और लेड की मात्रा किस प्रकार से ली जाती है, और अगर ली जाती है जो मात्रा तो किस आधार पर ली जाती है। हमको मालूम, जैसे उदाहरण तौर पर आपको पता चल गया कि 60 और 40 ली जाती है, ठीक है, राइट आंसर भी यही है 60 और 40, टिन की मात्रा कितनी रहेगी 60 रहेगी और लेड की मात्रा कितनी रहेगी 40 रहेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको ये है उसमें दे दिया टिन का मान अधिक करने पर, क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाता, मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसमें एक यूनिट में से 10,000 क्वेश्चन बना देता हूं, एक दो क्वेश्चन तो भूल जाओ, कितने 10,000 क्वेश्चन, वो चाहे जैसे क्वेश्चन को तोड़ मोड़ देता है, क्योंकि उसमें है ही क्या, उसने आपसे क्वेश्चन में कह दिया टिन की मात्रा अधिक क्यों रखी जाती है, टिन की मात्रा अधिक क्यों ली जाती है। अब ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, ये भी हेडअप है, जब यहां आपको उसने बता दिया कि 60% ली जाती है टिन की मात्रा, और यहां आपसे पूछ लिया कि 60% ली जाती है तो क्यों ली जाती है, अधिक हुई ना 40 से तो टिन की मात्रा अधिक क्यों ली जाती है, या आपसे पूछ लेगा सीसे की मात्रा, यहां क्वेश्चन दूसरा बना दिया उसने, सीसे की मात्रा कम क्यों ली जाती है, अब यह भी एक क्वेश्चन, ये दोनों हमको पता हो तब हमारी समझ में आएगा पूरा टिन और लेड, और ज्यादातर क्वेश्चन को इसमें से बनाता है। एक मैंने आपको बताया था क्वेश्चन उसका उठाता वो जिसमें आपसे पूछता है, वो क्रम वाइज पूछता है, चालक के आधार पर जमाने वाला शेड्यूल पूछता है, सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद चांदी, फिर आपका कॉपर, फिर आपका गोल्ड, फिर आपका एल्युमिनियम, इस तरीके से पूछ लेता, एक ऐसा पूछता है।
पहला आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्यूज जो होता है वो टिन और लेड को मिलाकर बनाया जाता। मात्रा पता होना चाहिए आपको, 60 और 40 रखी जाती है। और अगर जो 60 मात्रा आपकी टिन की रखी जाती है वो क्यों रखी जाती है, तो दोनों आपकी क्या है, धातु है। क्या है, धातु। नर्म करने के लिए, नर्म किसके लिए, नर्म करने के लिए। नर्म का मतलब होता है सॉफ्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, करने के लिए टिन की मात्रा 60% रखी जाती है। सॉफ्ट समझ रहे, मतलब नॉर्मल करने के लिए उसको, और कठोर करने के लिए मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसकी मात्रा अधिक रखी जाती है, शीशे। ध्यान रखना, शीशा बढ़ाने पर, शीशा को हम कम इसलिए रख रहे हैं सोल्डरिंग में क्योंकि टिन की मात्रा अधिक रखेंगे तो हमारा वो जो फ्यूज वायर आपने लगाया है वो फ्यूज वायर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, आसानी से मोड़ दोगे और जब लाइट ज्यादा होगी तो आसानी से वो टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर लेड या शीशे की मात्रा अधिक कर दूं तो स्थिति क्या बनेगी मेरी, वो कठोरता में पहुंच जाएगा, कठोरता में पहुंच जाएगा, देर में टूटेगा। तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए कि टिन की मात्रा अधिक रखने से जिस धातु का फ्यूज बनता है वो सॉफ्ट बनता है, और लेड की मात्रा अधिक रखने पर जिस धातु का फ्यूज बनता है वो कठोर बनता है। क्लियर, टिन और लेड खत्म कहानी, दोनों को पता होना चाहिए, दोनों कंडक्टर हैं, दोनों हमारे चालक हैं, दोनों की मात्रा क्लियर हो। आगे बढ़े, क्या है कि क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं उठाओगे, आपको जानकारी नहीं पड़ेगी, तो आपकी थ्योरी पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। अपन ने नॉर्मल पढ़ लिए, टिन ये होता है, ऐसा ऐसा करता है, वो पूरा पढ़ लिए, क्या फायदा उसका। जब तक हमको क्वेश्चन उसके बनाना हमसे ना बने, या जब तक हमसे क्वेश्चन को मतलब सोल्व करके ना बने, जब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। एक एक टॉपिक ऐसा है आपका, भले ही आराम से समझो लेकिन एक एक टॉपिक क्लियर होते जाएगा तभी तो हमारा वो है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर कॉलेज नहीं आते, पता ही नहीं चलता उनका, और ना कुछ जानकारी मिलती, ना कुछ मतलब वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं, तो कम आके कई बच्चे पास हो जाते हैं क्योंकि 150 का पेपर होता है, 150 में से उन्हें जो तुक्का मारा श्री रामचंद्र जी की जय कहकर तो कोई सा तो लगेगा, 30-35 निकल गए, पास हो गए। अब वो डिग्री में क्या करोगे जब तुमको यही पता नहीं है चालक क्या, अचालक क्या है, या फिर कोई सी ना पूछ लिया इलेक्ट्रिसिटी की चाल क्या है, पेपर है क्या, टिक मार्क पे आया, टिक मार्क लिखना ही है, नहीं कंप्यूटर वाइज पेपर होता है। क्वेश्चन देते सर, कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है आपका, तो देखो 50 क्वेश्चन 150 नंबर, 150 में 33 नहीं, 150 में से 58 लेना होता, रेशो बनता है। मैंने एक वीडियो बना के डाला हूं, आप चाहें तो सभी लोग देख सकते हो किस हिसाब से पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ती है। 2022 का सिलेबस भी डाला है, वाय राजेश सर के नाम से है, उसी में क्लास में राजेश सर ने मतलब डाला है पूरा वो बना के, तो उसको आप देख सकते हो इसी में टेक्निकल क्लास में। अब आते हम नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट है आपका मैग्नीन, बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, 8वां नंबर का है मैग्नीन। अब तो आप नाम सुन ही रहे होंगे इन चीजों के, अभी तक तो जानते ही नहीं थे कौन सी चीज क्या है। मैग्नीन जो है इसके बारे में कोई बताएगा, यह 84% तांबे की होती है, 84% इसमें तांबा होता है, और 12% जो होता है वो इसमें मैग्नीन में जो लिया जाता है, 12% मैग्नीज होती है। 84% क्या होता है, कॉपर होता है, और 12% जो होता है वो मैग्नीज। याद रखना दोनों में अंतर है, इसको मैग्नीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीन, और इसमें जो 12% ले रहा है वो मैगजीन ले रहा है, नाम है बड़ी की है नीच, मैग्नीज, ठीक है। 4% इसमें जो बचा है तो 4% हम किसका यूज करते हैं, निकिल का, 4% आपका क्या लिया जाता है, निकिल, निकिल जो होता है उसका 4%, टोटल आपका कितना हो जाएगा, 100% टोटल आपका हो जाएगा। मैग्नीन एक ऐसी है,
इसमें जो होता है ये इन चीजों से बनाई जाती है, इसका उपयोग जो किया जाता है वो प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है, प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। इसका तापमान बढ़ने पर इसका प्रतिरोध पर प्रभाव नगण्य होता है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि होता क्या। अब देखो मैग्नीन की बात ये कर रहा है कि यह प्रतिरोधक के रूप में लिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप ये बताइए, हमने दो प्रकार के प्रतिरोध पढ़े, प्रतिरोधक कोई सा भी प्रतिरोधक हो उसका जो वर्किंग होता है वो आपका इस तरीके से, कहीं आवाज आ रही है पीछे से, है ना, उसको बोलना कौन कर रहा। ये प्रतिरोधक के रूप में जो लिया जाता है उसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला प्रतिरोध जो होता है वो धातु के गुण में होता है, धातु के गुण में। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करता है, अपने में से बहने वाली धारा का क्या करता, विरोध करता, मतलब उसको निकलने नहीं देता, जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा, वो एक प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। पहला जो धातु के गुण में होता वो तो एक धातु में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्लियर। दूसरी स्थिति ये बोल रहा हो कि परिवर्ती प्रतिरोध होता है। अब जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है ये प्रतिरोध हमको समझ में नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं हम परिवर्ती प्रतिरोध। इस तरीके से बनता आपका कि एक आपका गोल इस तरीके से आपका मतलब पाइप होता है, उस पाइप में वायर को लपेटा जाता है, इस तरीके से वायर को लपेटा जाता है, उसके दो पॉइंट बनाए जाते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर, आपके दो पॉइंट बने होते हैं उसके, यहां पर उसमें एक कंट्रोलर लगाया जाता है जिनके दोनों छोरों पर इनका कंट्रोल बनाया जाता है। यह जो होता है इसको जब हम सरकाते हैं इस तरीके से, ये जो होता है ये परिवर्तन का प्रतिरोध होता है। जैसे मैं इसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ाऊंगा तो वैसे मेरा करंट का मान क्या होगा, डाउन होते जाएगा, और जैसे ही इसको कम करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये मेरा होता है, उसके लिए यूज किया जाता है इसका वो यूज कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ रही है, मान लो मुझे कोई एक ट्यूबलाइट है या मैं मतलब किसी ट्यूबलाइट में कोई प्रैक्टिकल कर रहा हूं, और उस ओम के नियम में आप इसको जब भी देखोगे ओम के नियम में देखोगे, ओम का जब नियम या ओम का प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर आप प्रतिरोध को देखोगे। इसमें क्या होता है, इसमें स्थिति यह होती है कि जब मुझे इलेक्ट्रिसिटी की जितनी जरूरत है, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कैसे करूं, जैसे मान लो 240 वोल्ट आ रहा है या आपका 5 एम्पीयर की सप्लाई आ रही है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना मुझे, ये लोड लगा मेरा 5 एम्पीयर तब दिखा रहा 240 वोल्ट सप्लाई आ रही है, अब इसको क्या करना मुझे, कम करना है, क्या करना, कम करना है। तो वहां उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, उस स्थिति में जब रेजिस्टेंस जो चीज मेरी जो धातु लगी, जैसे कॉपर का वायर लगा और वो यहां से जुड़ के आगे को बढ़ा है, अब वो कॉपर का वायर जो जुड़ के बढ़ा हुआ है उस कॉपर के वायर में तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आना चाहिए वो आई रही है, अब उस इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को मुझे क्या करना, कम करना, क्या करना, कम करना। तो कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको कम करने के लिए इस रेजिस्टेंस के मान को बाहर मैंने कि जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, डाउन होगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती, डाउन होती है, और जब रेजिस्टेंस डाउन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में मैं जो परिवर्ती प्रतिरोध होता है जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, इस रेजिस्टेंस के मान को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा, और जब रेजिस्टेंस का मान मेरा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी के बाहर जो इससे आगे आएगी वो इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यादातर इसका यूज जो किया जाता है वो नौसैनिक में किया जाता है, नौसैनिक में पढ़ो
नौ सैनिक करते हैं इसका यूज। नौ सैनिक मतलब पानी की जहाज में जो वर्क होता है या पानी की जहाज में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता? क्योंकि वहां 110 वोल्ट सप्लाई रखी जाती है। याद रखना है इस चीज को, पानी के जो जहाज होते हैं वहां पर जो सप्लाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है? 110। बहुत कम सप्लाई रखी जाती है। वहां इंस्ट्रूमेंट ही इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो 110 वोल्ट सप्लाई पर वर्क कर सके। और उसका करने का कारण सिर्फ एक ही होता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी वाई चांस अगर इलेक्ट्रिसिटी का करंट मतलब या कहीं स्पार्किंग हो या पूरी जहाज वो जहाज ही आपकी पूरी उस तरीके की बनी है तो पूरी कंडक्टर है उसमें, तो अब जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगने लगे तो आप बचत कैसे करोगे? पानी में कूदोगे तो वो और चालाक है और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके लिए उसमें वोल्टेज की मात्रा कम रखी जाती है क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 90 वोल्ट से ऊपर जब हो जाता है तभी करंट लगना चालू हो जाता है। तो वो उसको उसी क्षण पे रखते हैं कि 110 वोल्ट पे मृत्यु ना हो उसकी, थोड़ी बहुत उसको झटके लगे मृत्यु ना हो उसकी। क्योंकि यहां तो तुम भाग जाओगे कहीं भी बचत के लिए या कोई, वहां क्या करोगे? अब बीच समुन्द्र में ना माई ना बाप, क्या करोगे? उसके लिए जितने देवदनिया वहां पर नहीं, वहां नौ सैनिक होते हैं ना, पहले उनकी ट्रेनिंग यही होती है। सारी जो ट्रेनिंग होती है बिना ट्रेनिंग के थोड़ी, अब आर्मी में मतलब ये थोड़ी कि तुमने 1600 मीटर की दौड़ निकाल ली तो इसके बाद तुमको डायरेक्ट गन पकड़ा दिए और बोले कि चीन के सामने तिब्बत पर खड़े हो जाओ, ऐसा थोड़ी है। छह साल पांच साल ट्रेनिंग चलती है, उसमें कभी पढ़ना आप लोग कमांडो कई प्रकार के होते, पैरा कमांडो, ग्रेड कमांडो, आपके एयरफोर्स में गरुड़ कमांडो, सब प्रकार के अलग अलग पैरा मिलिट्री फोर्स है, मतलब अलग अलग पैरा फोर्स है, अलग अलग होती है, वो अलग विषय है। अपन अपने वापस इसी विषय पे जाते हैं, लंबा हो जाता पर चलता है। हाँ, ये चीज और मैग्नेट, अब हम ये तो समझ गए कि ये प्रतिरोध ये वो, अब इसका यूज कहां पर किया जाता है तो यही ध्यान रखना हमको। जो मैग्नीट जो होती है, जो 84% कॉपर 12% मैग्नीट और 4% निकिल को मिलाकर जो बनाई जाती है, इस मैग्नीट का उपयोग किया जाता है परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में, परिवर्ती प्रतिरोधक जो आप बना रहे हो, परिवर्ती प्रतिरोधक में जो वायर का यूज किया जाता है, वायर का यूज किया जाता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। परिवर्ती जो प्रतिरोधक होता है उसमें जो वायर लगाया जाता है, वो जो वायर मोड़ा जाता है, वो वायर किसका बना होता? वो मैग्नीट का बना होता। किसका बना होता है? मैग्नीट का। क्वेश्चन पूछता भी है कि रजिस्टेंस, परिवर्ती रजिस्टेंस में कौन से वायर का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीट का उपयोग किया जाता है। और ध्यान रखना इसका, इसमें तापमान बढ़ने पर इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग किया जाता। क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है क्यों किया जाता है, तो हम लिखेंगे तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। सही है, तापमान बढ़ने पर जब परिवर्तन नहीं होगा तभी तो हम उसका यूज करेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस के मान को आप जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज करोगे, रेजिस्टेंस की स्थिति जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को आपको कम करना है या ज्यादा करना, उस स्थिति में उसमें क्या होगा? एक हीटिंग प्रभाव होगा। वो ही हीटिंग प्रभाव, तापमान मतलब वही हीटिंग प्रभाव में उसमें किसी भी प्रकार का मैग्नीट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मैग्नीट का तापमान गुणांक कितना होता कोई बताएगा? मैग्नीट पॉइंट क्या है? मैग्नीट का जो तापमान गुणांक होता है वो कितना होता है? क्वेश्चन है आपका, मैग्नीन का तापमान गुणांक कितना
होता है। क्वेश्चन नंबर, अब आप बताइए कितना होता है, है मालूम किसी को कि मैं बताऊं? 0.1, 2, 3, 4, 5 लगा देना आप लोग, मतलब ये तक मिलाकर 5 हो जाएंगे। कितना होता है ट्रिपल, 5 बार 0 होते हैं ना, हाँ 0.0025 प्रति सेंटीग्रेड, प्रति सेंटीग्रेड जितना होता है इसका मैंगनीन का, पूछता है अक्सर क्वेश्चन में, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मैंगनीन का ताप गुणांक मतलब जो होता है, ये क्लियर हुआ हमको? मैग्नीन हमको क्लियर नहीं हुआ, मैग्नीन एक चालक कंडक्टर है, चालक कंडक्टर, ये इसका मतलब ये है 0.0025 प्रति सेंटीग्रेड का मतलब ये है कि कुल मिलाकर जो तापमान हो रहा है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं होता, तभी तो उसमें इतने जीरो लगाए, यानी तो ऐसे नहीं लिख देता 10 डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति मतलब सेंटीग्रेड, ऐसे नहीं कर देता उसको। इसका मतलब यह है कि तापमान में परिवर्तन होने पर उसमें एक कुल मिलाकर नगण्य परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, वो है उसका मान। बात समझ में आई? इसकी जगह न कॉपर का यूज कर सकते हो आप, न पीतल का यूज कर सकते हो, न किसी अन्य धातु का यूज कर सकते हो। मैग्नीन इतना सख्त वो है कि अगर आपसे क्वेश्चन में भी आए कि तापमान परिवर्तन में कौन से चालक कंडक्टर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, देखो हर चालक में परिवर्तन होता, मैं आपको बता दूं तीनों चीजों में, तीनों चीजें मतलब आपके जो चालक वीडियो देखने वाले, और आप लोगों को भी मैं बता दूं मेरी क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि वो 10-15 मिनट के वीडियो बनाने में या पढ़ाने में मजा नहीं आता, क्लास जितनी बात हो सकती है उतनी चलेगी, 1.5 घंटे की भी हो तो भी फर्क नहीं है, अगर आप लोगों को देखते देखते बोर हो जाते हैं तो अपलोड रहता है, उसको पुश करें, पुश करने के बाद थोड़ी देर आराम करें, फिर वापस उसको देखना चालू कर दें, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रिकल है, अगर इलेक्ट्रिकल में सीधा सीधा अगर मैं आपको पढ़ा दूं, बस जो किताब की भाषा लिखी है और वही भाषा मैं यहां पर पढ़ा दूं, तो फिर मेरा पढ़ाने का तात्पर्य क्या होगा, फिर तो वो चीज आप मतलब बुक से ही पढ़ सकते हो, उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा बात करते हुए उसको लेसन को चैप्टर को हल करेंगे तभी हमारी समझ में आएगा, और नहीं तो काफी वीडियो ऐसे पढ़े हुए जिनमें जो लिखा है वही आपको पढ़ा दिए तो उसमें मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, जो भी डाउट है A to Z डाउट आप कमेंट बॉक्स वाले कमेंट बॉक्स में लिखें, जो वीडियो देखेंगे आप ऑफलाइन जो क्लास ले रहे हो, कोई भी डाउट हो आपका बिल्कुल तुरंत पूछे, मैं क्लियर करूंगा। समझ में आई बात? इसलिए मैग्नीन का यूज किया जाता है क्योंकि तापमान परिवर्तन में मैग्नीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर, बताऊं हमने को? अब यहीं पर हम जो चालक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? चालक, चालक तो सारी चीजें चालक ही चालक की पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका कंडक्टर आता है, उस कंडक्टर का नाम है यूरेका। क्या है? यूरेका, यूरेका, या है यूरेका। अब ये भी एक नई मुसीबत है, आज तक तुम सोचते होगे कि ये तो हम पढ़े ही नहीं कभी। 40% निकिल एवं 60% तांबे से बनाई जाती है, 40% निकिल और 60% कॉपर मतलब तांबे से बनाई जाने वाली धातु है, से बनाई जाती है का यूरेका कोई बताएगा? कोई बताएगा? इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ध्यान रखना,
इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। हर चालक में ऐसा नहीं होता कि हर चमकने वाली चीज हीरा हो, कांच भी तो हो सकती है। ऐसे ही ध्यान रखना, चालक में हर धातु ऐसी नहीं है जिसका रेजिस्टेंस का मान कम हो वही धातु। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके रेजिस्टेंस के मान क्या होते, उच्च होते हैं, उनके विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होते हैं। जैसे आपका एक यूरेका है, इससे पहले मैंने आपको नाइक्रोम पढ़ाया था, उसमें भी उच्च रेजिस्टेंस होता है। एक आपका यूरेका होता है, इसका उपयोग कम ऊष्मा पैदा करने वाले प्रतिरोधक में किया जाता है। काय में किया जाता है, कम ऊष्मा पैदा करने वाले प्रतिरोधक के रूप में होता है। अब जो कम ऊष्मा पैदा करता है वो कौन सा प्रतिरोधक होता है भैया, ये तो और नई चीज है। ज्यादा ऊष्मा जो पैदा करता है वो तो हम नाइक्रोम पढ़ चुके हैं, आगे बहुत ऊष्मा पैदा होती खाने बन जाता है उसमें, है ना। अभी ये जो कम ऊष्मा पैदा करता है ये कौन सा प्रतिरोधक ले लिया इनने, तो बताओगे कोई कहां किया जाता है। जल्दी बताओ, किसी को है मालूम? नहीं है मालूम। कभी तुमने सबने सबको मालूम आ जाएगा जैसे मैं नाम लूंगा, रेगुलेटर देखा? यस सर। इसका काम क्या होता है, पंखे में जो रेगुलेटर लगा होता है इसका काम क्या होता है, ज्यादा करना, स्पीड कंट्रोल करना, स्पीड कम कंट्रोल करने में। हम इलेक्ट्रिशियन हैं तो उस हिसाब से हम नहीं सोचेंगे, ये तो मतलब कहना चाहिए कि स्पीड कम करने में, ये तो हमको मतलब पहली साल का बच्चा ही बता देगा कि रेगुलेटर को पापा कम करते हैं तो ऐसा होता है, या भैया ज्यादा करते तो ऐसा होता है। हम इलेक्ट्रिशियन के तरीके से सोचेंगे कि रेगुलेटर करता क्या, वर्क क्या है उसका। अब वर्क तो आप जनरली यही बोलोगे, स्पीड को कम करता है फैन की, लेकिन जो स्पीड को कम करता है, ये जो स्पीड कम हो रही है इसमें क्या करता है, समझ में आई क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। स्पीड को तो कम करता है लेकिन स्पीड में उसमें ऐसा क्या लगा है, जंजीर डालता क्या वो पंखे में, भैया रुक जा, करंट सप्लाई होती, पावर कम करता सर, करंट सप्लाई होती करंट को कम कर, कौन मतलब करंट के मान को कम करता, आपका कहना ये है। यस सर। नहीं यहां चूक गया। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लगा क्या होता है। मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, एक इंडक्टर, अगर नहीं पढ़ा हो तो जो क्लास पे डाला है मैंने, एक बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से एक आज डालूंगा मैं, मतलब कल डाला है उसको पढ़ना, एक बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नाम से। मैंने कल आपको क्लास में यह बताया था कि दो चीजें आपकी होती हैं, एक होता है आपका इंडक्टर और दूसरा होता है कैपेसिटर। इंडक्टर को प्रेरक कहते हैं, कैपेसिटर को कैपेसिटेंस कहते हैं। आपका जो रेगुलेटर होता है उसमें क्या लगा होता है, उसमें ध्यान रखना इंडक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, इंडक्टर। क्यों इंडक्टर लगा होता है, कैसे आपके अधूरे, तो आप कभी उसको रेगुलेटर को तोड़ना या देखना तो उसमें क्वाइल निकलती है। वायर जो होता है वो वायर निकलता है, ठीक है, और वो जो वायर निकलता है वो वायर को मैं क्या कह सकता हूं, इंडक्टर, प्रेरक। इंडक्टर बना कैसा होता, कोई सजीव हाथी जैसे थोड़ी दिखता इंडक्टर, आपको देखने की एक इमेज बनना चाहिए आपकी, किसी भी चीज में किसी मतलब किसी चीज को आप बना रहे हो और उसमें जो क्वाइल लपेटी जाती, क्वाइल का मतलब एक वायर, वो वायर आपने अगर लपेट दिया तो वो आपका क्या बन गया, इंडक्टर। क्या बन गया, इंडक्टर। और कैपेसिटर जो आपका मतलब लंबा सा, उसमें जो दो छड़ें डाली जाती वो आपका कैपेसिटर बन गया,
दोनों चीजें अलग अलग है। कैपेसिटर का काम है करंट को स्टोर करना, इंडक्टर का काम है वोल्टेज को स्टोर करना। फिल्म खत्म। इंडक्टर जोड़ने में भी लगा रहता है। किसमें? इंडक्टर जोड़ने। इंडक्टर चूल्हा। अरे नहीं, उसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर नहीं कहते, इंडक्शन कहते हैं उसको। वो इंडक्टर नहीं होता, इंडक्शन चूल्हा कहते हैं हम उसको। इंडक्शन वो बताऊंगा मैं आगे क्या मतलब होता है उसको। इंडक्शन क्यों कहा जाता है वो बताऊंगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि फैन में जो क्वाइल लपेटी जाती है और क्वाइल लपेटने से वो जो स्पीड कम कर रहा है वो किसकी स्पीड कम कर रहा है? वो वोल्टेज को कम करता है। किसको कम करने का कार्य करता है? वोल्टेज को कम करने का कार्य करता है कौन? रेगुलेटर। कौन करता है? रेगुलेटर। अब रेगुलेटर में लगा क्या है जो कम करने का काम करता है? तो हम उसको कहेंगे कि उसमें एक प्रतिरोधक लगा होता है। क्या लगा होता है? प्रतिरोधक। इंडक्टर प्रतिरोधक लगा होता है और जो प्रतिरोधक होता है वो किसका बना होता है? अब आया हम सही पॉइंट पे, वो है किसका बना होता है? यहां भी तो हमको पता हो तो वो बना होता है यूरेका। किसका बना होता है? यूरेका। अब आपकी फिल्म यहां पर आते होगी कहां से कहां पहुंचे? बात यहां से चालू हुई, खत्म कहां हुई? समझ में आया? और रेगुलेटर जो होता है, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर मैं पंखे की स्पीड को कम कर दूं, पंखे की स्पीड को कम करके चलाऊं तो मतलब मेरा बिल जो आएगा बिजली का वो कैसा आएगा? स्पीड कम करने से बिजली के बिल में कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा पक्का? पक्का नहीं। अब तो तुमने पुराने जमाने वाली बात कर दी। पावर कम आएगा तो वही से नहीं तो बिजली का। देखो जब आपका वोल्टेज कम हो रहा है तो आपकी एनर्जी की खपत भी कम हो रही है, और जब एनर्जी की खपत हो रही है तो उस स्थिति में आपका कम बिजली का बिल आएगा, मतलब एनर्जी की खपत कम होगी। पहले जो फैन बनते थे या पहले जो रेगुलेटर बनते थे, उनको देखना, इतना बड़ा रेगुलेटर बनता था और गोल चक्कर इतना बड़ा उसका अलग लगता था, बोर्ड मोड का काम ही नहीं था वो अलग लगता था। आपने फैन खरीदा, दीवार पे उसको ठोक दिया, बोर्ड का काम वही कर रहा। उसको जब आप बंद चालू करते थे तो उसी से आप करते थे। वो जो होता था उसमें आपकी ऐसी स्थिति बनती थी कि वो नहीं करता था। आजकल के जो रेगुलेटर बन रहे हैं, अब आप सोचो पहले के में भी तो कंट्रोल होता था बिजली, लेकिन नहीं, वो जो बनता था वो प्योर यूरेका का बना देते थे। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपका क्या लगाया जाता है? SCR। क्या लगाया जाता है? SCR। SCR इसको बोलते हैं। क्या है कोई नाम बताएगा? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है SCR जिसको हम कहते हैं, इसमें जो होता है आजकल के जो रेगुलेटर होते हैं उनमें इसको लगाया जाता है, यूरेका का यूज किया जाता है। यूरेका के साथ इसको, यूरेका की तो सिर्फ कॉइल होती है, इसके द्वारा जो कंट्रोल होता है वोल्टेज आपका, तो इसकी वजह से आपका बिजली का बिल कम आता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को लगाकर हम उसको कम करते हैं वोल्टेज को। समझ में आई बात? यस सर। और पहले के पंखे में ऐसा नहीं होता था, पहले के पंखे में ऐसा नहीं होता था। आगे बढ़े? यस। ठीक है, अब आता आगे आपका एक पॉइंट और है इसी में, 10 नंबर का, जिसको हम पढ़ेंगे कार्बन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन। ये सब में आपके क्या पढ़ रहे हैं आप? चालक।
क्या पढ़ रहे हैं चालक कंडक्टर। अभी आप चालक पे तो गए ही नहीं, बारह पंद्रह बीस पेज का चैप्टर है छोटा बोल, जो तीन चीजों को मिला के मतलब बनाया है तो बड़ा ही चैप्टर होगा, क्योंकि यहीं से तो आपका जब तक आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टर नहीं पढ़ोगे तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी में आगे कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। पता चला किसी ने मोटर में कार्बन ब्रश लगा दिए, कार्बन ब्रश, और आपसे कहा कि बेटा ये जो कार्बन ब्रश है इनको लगा दे। अब हमको ये फिल्म पता नहीं है कार्बन ब्रश है काय का या क्या है, जब तक हमको जानकारी नहीं होगी या हमको ये पता ही नहीं होगा। आप में से काफी जो लोग होंगे वो सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी तो जनरली है एक, मतलब सर ने पहले जो क्लास लेते थे उसमें बता देते थे कि सैफर सिल्वेस्टर माउथ टू माउथ, ऐसे जब व्यक्ति को करंट लग जाता तो ऐसा किया ऐसा, तो अरे ये तो जनरली चीजें हैं सबको पता है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप जाते जाओगे एक एक पॉइंट पे आपको 10-10 क्वेश्चन प्राप्त होंगे, एक एक पॉइंट में जब आप उसके अंदर जाओगे एक एक पॉइंट में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि वो 10 ही क्वेश्चन आपको बिना सॉल्व कराए आगे को नहीं बढ़ूंगा। बस आप फर्क है आप जुड़े रहिएगा। क्या होता है कि जब क्लास में मजा तभी आता जब कंटिन्यू चलती रहे। अब पता चले काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो चार दिन नहीं आए पांचवें दिन आए, अब उनको जब यहां बल ले गए, अरे यार पहले तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये चालक था क्या, कोई घोड़ा चलाने वाला चालक है कि इलेक्ट्रिसिटी का चालक है, इसमें भी होता चालक। तो जब तक हम जुड़ेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, और किसी भी सिलेबस को आप अगर जब तक उससे जुड़ के नहीं पढ़ोगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आज भी बता रहा हूं, इंडिया में ऐसे लोग हैं जो सचिन तेंदुलकर विराट कोहली इनसे ज्यादा मेहनत करते क्रिकेट में, और पढ़ाई में भी काफी ऐसे लोग हैं जो आज के जो पढ़ने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं यार उसका सिलेक्शन हो गया, देखे होंगे आपने कई बार आप बोलते हैं यार उस वो लड़का कमजोर था उसका सिलेक्शन हो गया, वो उससे ज्यादा पढ़ता था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कारण? उसका कारण यह है कि आपने उस चीज को एक मजबूरी बनाकर पढ़े थे, और वो जो था वो जनून बनाकर चल रहा था, उसका जनून था। जब तक आपकी मतलब मांसपेशियां या हार्मोन्स जब तक आपके उस चीज के लिए आपको प्रेरित ना करें तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपके मन में ये विचार आया कि हाँ ये है क्या, मुझे समझना है इसके बारे में, ये अंग क्या है, मुझे इसको देखना है समझना है इसके अंदर और गहराई में घुसना है, तो आप मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको कि आप उस चीज को धीरे 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 इतना समझ जाओगे कि आप उसमें पूरे खो जाओगे और आप अपने आप को पता नहीं कहां पाओगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो वैज्ञानिक बन जाते हैं या जो मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं वो वैसे ही मतलब है किताबों में पढ़ लिए थे कि भारी आवाज वाला अमिताभ बच्चन बन गया और बनने का पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अनिल अंबानी बन गया। भाई मुकेश अंबानी अनिल अंबानी जो भी थे उन्हें उस जगह तक पहुंचने में अपने आप को उस स्थिति पर कैसे ले गए वो उनको मालूम। दूसरी चीज ओवर कॉन्फिडेंस, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब हर चीज को हल्के में लेते हैं, कैसे जैसे मतलब अरे ये चीज तो हमको पता है यार ये तो हमको मालूम। आपको जो मतलब ऐसा नहीं होता, आपको कोई भी चीज समझाने के लिए या कोई भी चीज के लिए, मैं मेरी खुद की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी किसी भी जगह जाना आपको हमेशा अगर ज्ञान किसी गुरु के पास बैठोगे या कहीं लोगे आपको ज्ञान की ही चीज मिलेगी, ऐसा थोड़ी कि आपको अन्योन चीज मिलेगी। ठीक है अलग चैप्टर है अलग बेस है, अपन अभी जो पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ेंगे, आगे हम जो पढ़ेंगे वो कार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बन। कार्बन जो पढ़ेंगे
या हमारा 11 नंबर का थोड़ा सा हो सकता सीधे नाम के पीछे हो गई हो, मतलब नेम पे ध्यान रखिएगा आप, तो कार्बन। इसके ये जो कार्बन है इसका जो प्रतिरोध होता है वो अत्यधिक, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तीन धातुएं मिल गई हमको, विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। किसका? कार्बन का। और जो कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध का मान अधिक होता है उसका कारण क्यों रे? आवाज क्यों कर रहे हैं यहां? आवाज क्यों कर रहे तुम लोग? आवाज क्यों कर रहे हो? स्पोर्ट वाले, स्पोर्ट वाले बच्चे। तो आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है इसमें जो कार्बन जो होता है उसमें जब विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? अधिक होता है। और जो अधिक होना वो इसके लिए क्या होता है? वरदान होता है। वरदान समझते हो? ब्रह्मा जी वाले वरदान, वो किसको होता है? कार्बन को एक वरदान होता है। क्यों होता? इसलिए इसमें मोटर जो होती है, मैंने अभी आपको बताया था मोटर में जो कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश जो बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन नामक धातु के बने होते हैं, या पदार्थ जिसको आप कहते हैं इसके बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? अत्यधिक होता है। और अत्यधिक प्रतिरोध, सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो कार्बन ब्रश जो होते हैं वो लगाए क्यों जाते हैं। पहली बात तो ये है कार्बन ब्रश डीसी में लगाए जाते हैं, पहला पॉइंट है आपका। डीसी जो मोटर बनी होती है उनमें लगाया जाता है। अब डीसी मोटर कौन सी होती? मन में ये भी तो ख्याल आएंगे भाई जब हम पढ़ रहे हैं तो सर डीसी मोटर कहाँ का नाम लेती है? डीसी मोटर भी होती होती है। एसी दो प्रकार की मोटर होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी मोटर जो होती है वो 9 प्रकार की होती है, उन्हीं के अंतर्गत फिर प्रकार आते जाते हैं। और डीसी मोटर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभी हम जो डीसी पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ोगे आप सीरेज शंट कंपाउंड, सीरेज शंट कंपाउंड 3 प्रकार की मोटर। इन मोटरों में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। क्यों? आउटपुट में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बनता है, उस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। अब आप सोचोगे सर ये कहां पढ़ लिए? ये बुक में से आप यही चीजें पढ़ पाते हो बुक में। कार्बन ब्रश होता है इसका उपयोग मोटर में किया जाता है, लेकिन जब किसी टीचर के सामने पढ़ोगे तो आपका फासला जब होता है जब समझ में आता गहराई की कहां जा रहा है। अब जो बुक से देखने वाले वह बुक, दुनिया का कोई भी आदमी चाहे यूट्यूबर हो चाहे कोई हो, बुक बनी किस लिए? इसलिए बनी, उसका थोड़ा तो आदमी को सहारा लेना पड़ेगा ना कि इसके बाद कार्बन आएगा, इसके बाद ये आएगा। लेकिन अगर आप उसको एक चीज को पकड़ के फिर आप समझा रहे हो तो ठीक है, फिर उसका मजा ही कुछ और होता है। कार्बन ठीक है, किसके लिए किया जाता? कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं इसके। जो कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं वो किस में लगे होते हैं? मोटर में लगे होते हैं। कौन सी मोटरों में लगे होते हैं? ज्यादातर सीरीज मोटरों, ज्यादातर जो मोटर होती है वो डीसी मोटरों में लगे होते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? तो वो कम्यूटेटर पर जो सप्लाई पहुंचाई जाती है उसके लिए लगाए जाते हैं। काय के लिए लगाए जाते हैं? सप्लाई पहुंचाने के लिए, काय में? कम्यूटेटर पे। अब ये कम्यूटेटर क्या होता है? तो कम्यूटेटर वह धातु की वह उपकरण है जो एनर्जी को एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में क्या करता है? परिवर्तित करने का काम करता है।
क्या करता है परिवर्तन, जैसे आपने डायोड रेक्टिफायर वो डायरेक्ट आपकी एसी डीसी आती उसमें करता परिवर्तन, लेकिन कम्यूटेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब आपका क्या है हमेशा ध्यान रखना ईएमएफ, ईएमएफ इसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, हमेशा ध्यान रखना काय में बनता है एसी में, डीसी में कभी नहीं बनता। और अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं डीसी पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं डीसी, मैं आपको जो मोटर बता रहा हूँ वो डीसी पढ़ा रहा हूँ और यहाँ ईएमएफ भी बना रहा हूँ उसमें, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा ईएमएफ जो बनता है यहाँ पर, जब जो ईएमएफ बनता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, वो हमारा काय में बना एसी में बना। अब एसी में तो इसमें प्रक्रिया हो रही है, तो हम डीसी क्यों कहें उसको, हम डीसी इसलिए कहेंगे क्योंकि ईएमएफ तो हमारा किसमें बना एसी में बना, और ईएमएफ बनने के बाद डीसी में कभी भी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स नहीं बनता क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो कभी भी ईएमएफ नहीं बनेगा। जैसे हमारा एसी में बना, कम्यूटेटर यहां पर लगे होते हैं, सॉरी कम्यूटेटर के ऊपर आपके क्या लगे होते हैं कार्बन ब्रश इस तरीके से आपके, जो कार्बन ब्रश होते हैं उन कार्बन, यहां पर जो कम्यूटेटर होगा उस पर हमारे कार्बन ब्रश लगे होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, ये तो हमारा ईएमएफ बन रहा है। अभी आपको एक मोटर में दिखा दूंगा कैसे होते हैं, आपको पूरी मोटर के द्वारा बता दूंगा और अपलोड भी कर दूंगा उस प्रैक्टिकल को। ये आपके जो कम्यूटेटर के ऊपर जो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, इसी कम्यूटेटर तक सप्लाई ले जाने के लिए, ये जो कम्यूटेटर होता है ये किसका बना होता, तो कॉपर का बना होता है, कौन सी धातु का बना होता, कॉपर का। इस कम्यूटेटर तक सप्लाई ले जाने के लिए कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता। अब ये कार्बन ब्रश पे कहां सप्लाई आती, जो ईएमएफ बनता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, वो जा रहा है हमारा एसी प्रकार का कहां पर, कम्यूटेटर पर, कहां पर, कार्बन ब्रश पर। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन ब्रश तक जो सप्लाई जा रही है वो मेरी कौन सी जा रही है एसी, कौन सी जा रही है एसी। लेकिन जैसे ही कार्बन ब्रश कम्यूटेटर पे आई और कम्यूटेटर से जो आउटपुट निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा आपका डीसी, इसलिए इसको डीसी मोटर कहते हैं। इसमें क्या किया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया, परिवर्तित कर दिया, मतलब आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ऊर्जा को परिवर्तित करता। वो तो अलग है, आपका मोटर काय पर वर्क करती हैं और अल्टरनेटर आपके काय पर वर्क करते हैं, फ्लेमिंग के वो जो सिद्धांत होते हैं वो अलग है, उसके अकॉर्डिंग समझोगे वो अलग रहेगा। ये सिर्फ ऊर्जा को परिवर्तित करता है, बस ये काम करते हैं, इसलिए इनको कार्बन ब्रश मतलब कार्बन के बनाए जाते हैं। अब कार्बन का उच्च प्रतिरोध क्यों होता है, और मैंने आपको समझाया था कि ये वरदान होता है, क्या होता है वरदान, क्यों होता है ये वरदान, इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कार्बन है उच्च, उसका क्या होता है उच्च रेजिस्टेंस होता है, उच्च रेजिस्टेंस होने पर जो कम्यूटेटर में लगा होता है, जब कम्यूटेटर आपका घूमता है, आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर मेरी ऐसी देर तक एक ही उस पर घूमेगी और आप उस पर गद्दी लगा के रखना, तो आपको पता है ठंडी वगैरह पड़ती है, आप ऐसे ऐसे गद्दियों में जब घूमना करोगे तो आपकी गद्दियां क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, गर्म पड़ जाएगी ना। वैसे ही आपका जो कार्बन है वो एक वरदान क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है उच्च है, मतलब एक अचानक की भांति है, वो चालक कंडक्टर है, लेकिन वो बार बार घिसाने से तो क्या होगा उसका जो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध है रेजिस्टेंस का मान जो उच्च था वो क्या आएगा निम्न की तरफ आएगा, की तरफ आएगा निम्न की तरफ, और जब वो निम्न की तरफ आएगा तो वो बेस्ट तरीके से वर्क करने लगेगा। अगर इसी की जगह मैं किसी और को लगा दूं कार्बन की जगह जिसका पहले से ही रेजिस्टेंस कम है, अगर मैंने उस धातु को लगा दिया तो घिसाने पर उसमें क्या होगा उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका रेजिस्टेंस कम है, और जब उसमें घर्षण होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बनती कहां से, घर्षण से ही बनती है, तो जब आपका घर्षण होगा तो उस स्थिति में उसमें ऑलरेडी पहले ही क्या लग जाएगी आग लग जाएगी पूरी मोटर में। तो कार्बन का उच्च रेजिस्टेंस ही उसके लिए वरदान है, और कार्बन में हमेशा उच्च विशिष्ट रेजिस्टेंस जो होता बहुत अत्यधिक रखा जाता है, होता ही है उसमें, और उसका जो विशिष्ट रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण ही उसको मोटरों में
कार्बन ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात? आगे बढ़े। कितने बज गए? टाइम क्या हो गया? 12:15 11:45 अच्छा अभी टाइम है। आगे की धातु पाएंगे। समझ में तो आ रहा ना? यस सर। अच्छे से हो गए? अच्छे से आ रहा पक्का? यस सर। आगे की धातु है प्लेटिनम। कौन सी धातु आपकी? प्लेटिनम। ये अधिक मूल्यवान धातु होती है, सोने जैसी दिखती है, सिल्वर टाइप होती है। प्लेटिनम सोने तो मिलते ना सर? अधिक मूल्यवान धातु होती है। ये धातु कैसी होती है? अधिक मूल्यवान धातु होती है आपकी जो प्लेटिनम होती है। इसका उपयोग कोई बताएगा कहां किया जाता है? स्टार्टर का जो संयोजक बिंदु बनता है, स्टार्टर का संयोजक बिंदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? प्लेटिनम का। और कहीं बताओ कि कहां किया जाता है? टावर देखे कभी आपने? टावर में देखना आप, एक आपका जो टावर होता है उस टावर में देखना आप, सबसे ऊपर एक छोटा सा एंटीना टाइप का मिलेगा, इतना बड़ा आपको सबसे ऊपर, मतलब सबसे ऊपर का जो पॉइंट है टॉप का जो टावर है, वोडाफोन, एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जो बनते हैं उनके टावरों पे एक सबसे ऊपर इतना बड़ा आपको एंटीना टाइप का मिलेगा। yes, वो किसका बना होता? प्लेटिनम। इसी का बना होता, प्लेटिनम का होता। वो बहुत महंगा होता, वो इतना बड़ा 1.5-2 लाख की कीमत का होता। तो सब चुराते नहीं होगा? अरे मरेगा क्या? छोटा मोटा थोड़ी होता 10-20 फुट। कितने ऊपर होता वो? आपकी जिसमें 132 kV की जो बड़ी लाइनों की हाई टेंशन लाइनों की सप्लाई, एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन जिसको कहते, एक हाई टेंशन होती है और एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन होती है। जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन के जो बड़े खंभे होते हैं उन खंभों के बराबर के वो होते टावर, छोटे मोटे टावर थोड़ी होते। उन टावरों के रूप वहां पर इस धातु का यूज किया जाता है। कहां पर? प्लेटिनम का। और दूसरा किया जाता है स्टार्टर। स्टार्टर कौन से? जो मोटरें होती हैं उनका जो स्टार्टर बनता है, जो स्टार्टर लगे होते हैं आपके 5 एम्पियर के, 10 एम्पियर के जो स्टार्टर आप लेकर आते हो, जो स्टार्टिंग में करंट के मान को कम करता है, उसकी में आपके स्टार्टर के जो संयोजक बने होते हैं, संयोजक मतलब कॉन्टेक्टर वगैरह में जो लगे होते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? इसका प्लेटिनम का। अब आप में से कोई बताओ मुझे स्टार्टर के मतलब सॉरी प्लेटिनम का जो है वो टावर में सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता? जो प्लेटिनम का जो टुकड़ा है वो सबसे ऊपर जो टावर लगा होता है उसमें क्यों किया जाता है? इस क्वेश्चन को खोजना फिर मुझे बताना, तुम लोग भी खोजना, वीडियो देख रहे हैं वो भी खोजेंगे, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में वीडियो वाले लिखेंगे, तुम कल क्लास में बताना सर इसलिए लगाया जाता है टावर के ऊपर, जो सबसे ऊपर धातु का टुकड़ा लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है। मोबाइल से मत खोजना, अगर मोबाइल से खोजोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं बुक में लिखा होगा, इलेक्ट्रिशियन की बुक खोलना, उसमें देखना कहीं ना कहीं मिलेगा, चालक अचालक पढ़ोगे उसी में मिलेगा ना। आगे बढ़े। yes. अब आगे बढ़ने पर हम जो आएंगे, अब यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया है, यहां एक कहना चाहिए आपका कुचालकों पर आ जाएंगे। कुचालक मतलब चालक का चैप्टर यहां से हमारा खत्म है। दूसरा अब हम जब आगे को जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके कुचालक। कुचालक हम बोलते हैं अचालक को, जिसको बोलते हैं इंसुलेटर।
कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। आपको हर चीज का एक पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, मतलब आपका अचालक तो है मगर उसको दूसरी भाषा में उसको क्या बोला जाता है, कुचालक। क्या बोला जाता है, कुचालक। इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। चालक का भी एक नाम होता है, जैसे कुचालक का होता है वैसे ही चालक को भी सुचालक के नाम से जाना जाता है। चालक जो होता है कई बार चालक ना बोलकर वो क्या बोल देता है, सुचालक। तो हमको पता होना चाहिए सुचालक का मतलब चालक की चर्चा चल रही है, कंडक्टर की। अचालक जो होता है वो एक आपका जो कुचालक होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, या हम कह सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस का मान अत्यधिक होता है वह है आपका क्या कहलाता है, अचालक। ये सबसे बेस्ट उसका एक गुण धर्म है, ठीक है। जितने भी अचालक होंगे उसमें ये सबसे बेस्ट गुण धर्म पाया जाता है। दूसरा इसी में बन जाता है जिसमें विद्युत फ्लो ना हो वह अचालक होता है। इसका गुणधर्म क्या है, सेम चालक के जैसा है। एक आपको सेम जो बता दिया जाएगा वो कैसा हो जाएगा, प्रतिरोध जो होगा वो उच्च होगा, या आप कह सकते हो एक क्वेश्चन कई बार पूछता है एक आदर्श, आदर्श समझते हो आप, आदर्श प्रकार के अचालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कैसा होगा। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता जाता है कैसा होगा। पहला पॉइंट है अधिक, दूसरा पॉइंट है आपका अत्यधिक, तीसरा पॉइंट है अनंत, चौथा पॉइंट है आपका कम। अब आप मुझे बताइए राइट आंसर क्या है, आप बताओ राइट आंसर क्या है। एक आदर्श प्रकार के अचालक का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस कैसा होता है, अधिक अत्यधिक अनंत कम। अनंत कम होता है ना अचालक, अचालक का। यहां पर आपको ये इसमें लिखाया भी है जिसका रेजिस्टेंस का मान अत्यधिक होता है, लेकिन यहां पर मैं जो पूछ रहा हूं वो शब्द पे ध्यान देना। मैंने एक आपको छोटा सा शब्द लिख दिया है आदर्श, इसको सर्च कर लेना गूगल पे, जहां आदर्श लग जाता है उसका मतलब क्या होता है। राइट आंसर इसका है ये अनंत, मुझे मालूम था आपसे नहीं बनेगा। ना अधिक पर टिक लगाना ना अत्यधिक पर टिक लगाना, अनंत जितना, क्योंकि आदर्श की बात कर रहा है, आदर्श मतलब सबसे बेस्ट, एक बेस्ट में से बेस्ट प्रकार का जो अचालक जब बनेगा तो उसका रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा। तो भाई जितना मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस का मान रहेगा उतना ही अच्छा तो अचालक रहेगा, लेकिन हमसे आदर्श लगा दिया उसमें, आदर्श में एक आदर्श प्रकार के चालक का रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा, तो हम बोलेंगे जीरो, बिल्कुल कम से कम। वो चालक में बात कर रहा हूं, कंडक्टर। और एक आदर्श प्रकार के रेजिस्टेंस का मतलब एक आदर्श प्रकार का अचालक का प्रतिरोध कैसा होगा, तो इसमें जो होगा वो एक अनंत होगा। अनंत मतलब बहुत, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, जितना अनंत रहेगा तभी तो उतना आदर्श लगेगा, क्योंकि आदर्श मतलब ये कह दिया उसने बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर। उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च कार्यकालिक तापमान होता है इसका,
दूसरा हमारा जो पॉइंट है, एक तो उच्च प्रतिरोध होता है यहां पर, और तीसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, उच्च कार्यकारी तापमान होता है, उच्च कार्यकारी तापमान होता है। अब आप बोलोगे इसमें क्या परिवर्तन, इसमें क्या सिस्टम है, उच्च टेम्परेचर, तापमान मतलब आपका टेम्परेचर। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताना आपके जो खंभे हैं, ठीक है, उन खंभों में आपका एक खंभा, आपका खंभे मतलब पोल्स, एक पोल से दूसरे पोल्स तक जो वायर लगे हैं आपके, आर वायर बी जो लगे होते हैं, तीन जो वायर होते हैं, आर वायर बी, तीन वायर हो गए, इन वायरों पर जो आपका एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का वायर है, एसीसी जिसको हम बोलते हैं, इनको अमेट का बनाया जाता है, सादा वायर को, एसीसी सीमेंट की बात नहीं चल रही है, अलग है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें जो मतलब यहां पर जो तापमान पड़ेगा, तापमान समझते हो गर्मी के टाइम, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर इसमें जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो कैसा होगा, तापमान बढ़ने पर इसमें जो रेजिस्टेंस, चालक है उसके अंदर रेजिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, जब तापमान इसके ऊपर पड़ रहा है पड़ेगा कि नहीं, गर्मी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि तुम उसको बोरिंग बंद करके और फिर इलेक्ट्रिसिटी दोगे, कंबल में तो नहीं ढकोगे, खुला ही वायर है, उस वायर में जब मतलब कहना चाहिए कि लाइन आपकी जब चल रही है और मौसम मतलब गर्मी का टाइम है और टेम्परेचर लगभग आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसमें जो चालक है, जो चालक पदार्थ है, उसमें जो रेजिस्टेंस का मान है उसमें क्या परिवर्तन होगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के मान में क्या होगा। कुल मिला के बात यह है कि तापमान बढ़ने पर, बढ़ने पर चालक, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं कहां से कहां आ जाता हूं, तापमान बढ़ने पर चालक के मान में क्या होगा, बात बस इतनी सी, समझ में आई बात, टेम्परेचर बढ़ने पर चालक मतलब जो कंडक्टर है उसका मान कैसा होगा, अब उसका मान मतलब उसके रेजिस्टेंस के मान में, बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भैया जब इस पर तापमान पड़ेगा तो तापमान पड़ने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या होगा, कम होगा, तभी तो आप लोग कहते हो कि गर्मियों में वोल्टेज कम आ रहा है, जीता जाता उधर, गर्मियों में दो तीन माह आप देखे होंगे गांव वगैरह में जाते हो, वोल्टेज कम क्यों आता है, क्योंकि तापमान बढ़ा, रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा इनके अंदर, बढ़ने लगा, जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ा तो उसने धारा का क्या किया, करंट का विरोध अधिक करना चालू कर दिया, जब धारा का विरोध करना चालू कर दिया धारा की मात्रा क्या हो गई, कम गई, जब धारा की मात्रा आपकी क्या हो गई, कम गई, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या हो जाएगा, तो आपके जो घर पे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी कम आएगी, गर्मियों में ध्यान रखना तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान जो चालक होता है जो कंडक्टर होता है उसका मान बढ़ता है तापमान के साथ बढ़ता है, और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस का उल्टा है जस्ट नीचे आएगी, लेकिन यही पर अगर मैं अचालक की बात करूं क्योंकि अभी तो मैं जो पढ़ रहा हूं क्या पढ़ रहा हूं अचालक पढ़ रहा हूं, तो अचालक में तापमान
उच्च कार्यकारी तापमान होता है, या यहीं पर मैं ये कह सकता हूं कि तापमान बढ़ने पर इसमें रेजिस्टेंस का मान कौन से अचालक की बात चल रही है हमारी, अचालक चैप्टर ही हम अभी अचालक देख रहे हैं। तापमान बढ़ने पर अचालक के रेजिस्टेंस का जो मान होगा वो क्या होगा, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। परिवर्तित से तात्पर्य यह है कि उसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ना नहीं चाहिए। अगर उसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो स्थिति यह बनेगी कि जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो उसमें क्या आएगी, धीरे धीरे चालकता आएगी। रेजिस्टेंस का मान जब आपका मतलब सॉरी अचालक में जब रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, अचालक में रेजिस्टेंस का मान बढ़ना लॉस है। उस स्थिति से देखा जाए कैसे, जैसे देखो ये दो पोल्स हैं, इनमें रेजिस्टेंस मतलब अचालक ये परत चढ़ी हुई है, क्लियर। अब यहां पर जो मौसम मतलब गर्मी का जिसमें आपका तापमान यहां पर पड़ रहा है, ठीक है। अब ये तापमान पड़ने पर अगर इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में देखें तो चालक में जो रेजिस्टेंस बढ़ेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कमी आएगी, लेकिन अचालक में जितना मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना बेस्ट है। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको दूसरी भाषा से समझाऊं तो दूसरी भाषा में यह है कि रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसमें जो चालकता की ओर जो जाना है, चालकता मतलब बढ़ना उसका उसमें जाएगा, जिसको हम ऐसे समझें तो कम होना एक किस्म से। तो अगर वो चालकता की ओर जाएगा तो उसमें ये क्या होगी, जब वो चालकता की ओर जाएगा तो इसमें क्या होगी, इसमें कमी होगी ना उसके अचालकता में, और जब अचालकता में कमी होगी वो चालकता की ओर जा रहा तो ये उसको नुकसानदायक है ना। क्यों, क्योंकि अचालक में रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा होगा उतना उसके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। क्या होगा, बेस्ट होगा। इसलिए आपका पॉइंट ये कह रहा है कि कार के दौरान तापमान बढ़ने के साथ उसकी चालकता क्या हो जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी, अगर उसका तापमान बढ़ने पर अगर उसके रेजिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है। दूसरी चीज आपका कुचालक जो होता है वो सस्ता होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अचालक सस्ता नहीं होगा तो आप मार्केट में खरीद के कैसे लाओगे उसको, मार्केट में जब खरीदने जाओगे तो सस्ता मिलना चाहिए। इसके बाद आपका सुदृढ़ होना चाहिए, स्टेबल वाला होना चाहिए, मतलब सहन शक्ति होना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है आपका नमी रोधी की बात भी सही चल रहा, पता चले कि आपका पानी गिर रहा है और वो पानी को क्या कर ले, अपने में सोख ले। तो जब पानी को सोखेगा तुम जैसे ही उसको छुओगे तो ऐसे ऐसे घूम जाओगे, घूमोगे कि नहीं घूमोगे। अगर पानी इसमें मतलब मॉइस्चर ना आए, पानी से उसमें जो पानी गिर रहा हो उसमें कोई दिक्कत ना आए तो आप क्या करोगे, उसको आसानी से पकड़ सकते हो वायर को। लेकिन अगर वहीं पर वायर एक मतलब अचालक में जैसे गिर रहा हो तो आपका भीग जा रहा है, भीगने की स्थिति में आपकी क्या दिक्कत आ जाएगी, आपको दिक्कत यह आ जाएगी कि जैसे ही आप उसको पकड़ोगे तो उसमें से ये जो कंडक्टर है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बाहर की ओर जाने लगेगी। इसमें टच हो रही है, वो टच होने के बाद उसको क्या करोगे, आपके हाथ में लग जाएगी। देखा होगा आपने प्लायर वगैरह जो रहता है स्क्रू ड्राइवर, उसमें बेस्ट प्रकार के अचालक लगाए जाते हैं, नहीं तो हम पनी में लपेटते हैं उसको। भाई अचालक वो भी तो है, लेकिन हमको पता है कि पनी में अगर हम काम करेंगे, पॉलीथीन से हम काम करेंगे तो पॉलीथीन उतनी कवर नहीं कर पाएगी, वो बेस्ट अचालक नहीं है जितनी अचालक होना चाहिए, उसमें हमको करंट लग जाएगा, लीक हो जाएगा करंट, लीकेज करंट का मान नहीं होना चाहिए, क्लियर। इसके बाद है आपका अचालकों का जो वर्गीकरण है, वो अचालक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, ये थोड़ा सा आप समझ लेना। अचालक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार मतलब ठोस, द्रव, गैस। नाम बताते जाओगे तुम लोग मुझे किस चीज के? मैं अगर आपसे पूछूं ठोस अचालक, पहला आपका क्या है? ठोस। दूसरा आपका क्या है? द्रव। तीसरा आपका क्या है? गैस। ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार के आपके अचालक हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें मुझे बताओगे क्या? सॉलिड, ठोस को क्या बोलते हैं? जो सॉलिड होता है वो किस प्रकार से होता है, मतलब कौन सा होता है? सॉलिड में क्या क्या आएंगे आपके? सॉलिड अचालक में क्या आएगा आपका? कांच, रबर, ये नाम नहीं आते तुमको? आपका प्लास्टिक, लकड़ी जो है वो आपका दोनों प्रकार से सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आ जाती है आपकी लकड़ी। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उसको शुष्क लड़की लकड़ी बोलेंगे, ड्राई, सूखी वाली। हाँ, माइका, अभ्रक जिसको हम बोलते हैं, माइका को ध्यान रखना, अभ्रक बोला जाता है माइका। ये आपके कौन से? ठोस, इंसुलेशन कहलाते हैं। अब दूसरा है आपका द्रव, मतलब लिक्विड वाले जो आपके कहलाएंगे, तो लिक्विड में क्या कहा जाएगा आपका? हवा, हाइड्रोजन, इस तरीके के आ जाएंगे, हवा, हाइड्रोजन। अब आप सोचोगे सर ये हवा कौन सी हवा है? हवा, हवा जो होती है जो दो कंडक्टर आपने लगाए हैं उनके बीच में जो गैप रखा है उसको हवा वाला कहते हैं हम अचालक। देखा होगा आपने, सबसे बेस्ट माना जाता है ये भी, जो इंसुलेशन के अंतर्गत हवा वाला, दो कंडक्टर को अगर आपने पास पास में रख दिया उनके बीच में से हवा नहीं गुजर रही तो करंट स्पार्किंग नहीं हो जाएगी उनमें, दो वायर अगर मैं फेस कंडक्टर को रखूंगा। लेकिन उन्हीं की दूरी बना दूं और उनके बीच में से जो हवा आपका जो स्पेस रहता उसकी बात कर रहा, हवा स्पेशली कहीं से नहीं लाई जाती, वो जो हवा चल रही है उससे की बात हो रही है, ठीक है? तो आपका कहना चाहिए हवा हो गई। यहां पर हवा के बाद दूसरा ए मतलब आपका और भी अगर मैं द्रव में देखूं तो द्रव में आपका नहीं, ये मैंने आपको हाइड्रोजन के आपका इसमें आएगा यार, यहाँ तो वार्निश वगैरह आएगा ना यार आपका, ये तो आपका हवा जो हो जाएगा गैस, हवा, हाइड्रोजन, ये तो सब गैस के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? गैस के अंतर्गत आएंगी। और द्रव जो रहेगा उसमें आपका जो रहेगा वो वार्निश आएगा ना भाई, वार्निश। दूसरा सिंथेटिक तेल, सिंथेटिक तेल, ये चीजें आएंगी आपकी उसमें द्रव में। तो अब मुझे आप बताइए जो द्रव में जो वार्निश है इसका कभी नाम सुने हो आप लोग? नहीं। जब पंखा वगैरह भरते हैं तो उसमें देखा होगा पंखे को भरने के बाद जो वायर लगाते हैं हम कॉपर की, जैसे हमने वाइंडिंग कर दी और वाइंडिंग करने के बाद आप देखे हो जब पंखा लेने जाते हो या पंखे वाले से बात करते हो तो वो बोलता थोड़ा सा सूख जाने दो पंखे को, अभी वाइंडिंग करा हूँ सूख जाने दो। भाई उसमें तो कॉपर का वायर लगा, वो अल्लाह थोड़ी जाता था वायर, तो वो क्या करता उसमें वार्निश डालता है। क्यों डालता वो वार्निश? वो इसलिए लगाता वार्निश कि आपस में जो मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है उस स्थिति में उसमें जो वार्निश इसलिए लगाया जाता है कि आपस में एक दूसरे से टच होकर चिंगारी न बने, इसलिए वो वार्निश लगाया जाता है। ये क्या है? अचालक है द्रव में। वार्निश रेड कलर का पीले कलर का होता है, उसको उसमें वाइंडिंग जो होती है उसमें लगा दिया जाता है। किस चीज करता है वार्निश? लिक्विड होता है बना होता, अचालक होता है ना, ये तो है अचालक। दूसरा आपका है सिंथेटिक तेल। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग भी लिख लो, यहां देखोगे यूट्यूब उसके लिए भी। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है? ट्रांसफार्मर मतलब डीपी, उसका राइट आंसर लिख के देना। डीपी समझते हो आप? जो गांवों में जो कुएं वगैरह नहीं चलते, गांवों में शहर में सब कहीं
दो प्रकार के होते हैं, मतलब जनरली हम वोल्टेज के आधार पर देखें तो स्टेप अप स्टेप डाउन, ऐसे तो बहुत प्रकार होते हैं उसमें, सिंगल फेस थ्री फेस भी होता है, पांच प्रकार के प्रकृति के आधार पर होते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रांसफार्मर से। मानो आप ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है और किस लिए डाला जाता है, किस लिए डाला जाता है, हो गया आपका अचालक में, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन भी ले सकते हो आप, नाइट्रोजन, ये सभी जो आपके आएंगे वो आपके गैसीय प्रकार के अचालक में आएंगे, जहां आपको गैस प्रकार के अचालक की जरूरत पड़ेगी वहां पर आएंगे। ठीक है, आगे को जब हम पढ़ेंगे तो आगे को कुचालकों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें आपके कोई सेम टू सेम आ जाएगा आपका शुष्क हवा, क्या क्या आ जाएंगे आपके शुष्क हवा रबार, इन चीजों को हम पढ़ेंगे, यही चीजें आप आगे को पढ़ते जाओगे, जैसे चालक में नाम पढ़े हैं वैसे ही आप अचालक में नाम पढ़ते जाओगे। नंबर एक पर हो जाएगा आपका शुष्क हवा, शुष्क हवा, और नंबर दो पर आ जाओ तो यहां पर, और मतलब कहना चाहिए नंबर दो पे जब आओगे तो इसमें दूसरी चीज आप लिख दो रबर, लिख दो रबर, तीसरी चीज पर वल्केनाइज, वल्केनाइज रबर, ये भी लिख सकते हो। इसके बाद में आपका पीवीसी लिख सकते हो, एवोनाइट अभ्रक, पीवीसी, पांचवा एवोनाइट, ये सब आपके क्या है, ये अचालक में सब, इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट या आपको समझने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बता दूं क्या है। पीवीसी का भूकंप कोई बताएगा मुझे, इसको बोलते पॉली विनाइल, पूछ लेता क्वेश्चन में पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी एक अचालक पदार्थ है, ये ठीक है, ये क्या है आपके अचालक, कांच ले लो यहीं पे, बहुत सारी जो भी मतलब जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो नहीं हो रही वो सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएंगी, वो सभी चीजें आपकी अचालक के अंतर्गत आएंगी। यहां पर तापक्रम के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण, ये एक सारणी बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर से, 5-10 मिनट जब तक आप लोग भी मतलब रेस्ट कर लो टॉयलेट वगैरह जो भी आपको, उसके बाद मैं आपको दो सारणियां नोट करवाऊंगा, एक चालक की सारणी नोट करवाऊंगा, चालक की सारणी, दूसरी करवाऊंगा आपको अचालक की सारणी। ये आईएमपी रहेगी, ये आपकी वेरी वेरी आईएमपी रहेगी। पेपर में चालक में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, अचालक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी आपकी सारणी से ही उठा के बनाता है, किससे बनाता, सारणी से, वो मैं आपको अभी सारणी पढ़ाऊंगा। अभी जब पदार्थ कहते हैं अचालक पदार्थ में जो सारणी बनी थी वो हम काय के आधार पर बनाएंगे, तापक्रम के आधार पर, किसके आधार पर बनाएंगे, तापक्रम के आधार पर, तापक्रम मतलब इतने ताप तक उनको नुकसान नहीं होता, इसके बाद उनको नुकसान होना चालू हो जाता है, उसकी ये सारणी है, 1 से लेकर 7 तक एक क्रमांक है, ये वर्ग है, Y A E B F H, छठवें तक अभी हम देखेंगे, इसमें अधिकतम सुरक्षित मतलब इतने तापमान तक
वह सुरक्षित रह सकते हैं उनमें है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 130, 155, 180। ठीक है, इसके बाद अचालक पदार्थ मतलब कौन कौन से इस श्रेणी में आते हैं, तो रेशम, सामान्य कागज, सूत, रेशम तेल में भीगा कागज, सूत, ये सारे नाम हैं। आप इस सारणी का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारणी आपको आपकी जो बुक है उसमें नहीं मिलेगी। आप देखोगे चार पांच बुक को मिलाकर मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा तब जाके ये सारणी मिलेगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका सेम है उसका, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ई प्रकार का तापमान क्या होता है। अब ई जो है अचालक में, इसका तापमान कितना, 120। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, याद आपको पूरा करना पड़ेगा। इसको पूरा याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का पूरा तरीका सीधा सिस्टम है, ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं। आपका क्रमांक सभी को पता रहता है, वाई ए ई, यहां पर ये बी है आपका, ए एफ है, ए एच, इनको याद करना पड़ेगा। ये आपका वाई जो है वर्ग, वाई वर्ग हो जाएगा। अधिकतम सुरक्षित जो तापमान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। अब यहां पर 90 में जो आपसे मांगा जाएगा, सबसे शुरुआत मतलब आपकी कितने से हो रही है, 90 से। 90 में आपका क्या आएगा, बिल्कुल जो सामान्य चीजें हैं कुचालक में, आप कुचालक में सामान्य चीजें आप पढ़ते हो, तो सबसे उस पर निचतम क्वालिटी पर क्या है, रेशम, सामान्य कागज, सामान्य कागज मतलब जो नॉर्मल कागज होते हैं अपने काफी वाले, और सूत, ये चीजें आपके 90 डिग्री तक का तापमान सहने की इनमें क्षमता होती है। 90 के बाद वर्ग ए आता है, वर्ग ए में आपका 105 डिग्री तक सह सकते हैं तापमान। अगर अब आप सोचोगे तापमान तो 50 डिग्री बहुत होता है, वो मौसम वाले तापमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो हीट वाला तापमान बनता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी वर्क करते हो उसमें जो तापमान बनता है उसकी बात चल रही है, वहां पर जो है मतलब उसकी तापमान की जो रेंज होती उसको सहन करने की क्षमता पे बात चल रही है। वर्ग आपको याद करना होगा, अधिकतम जो तापमान है, सुरक्षित जो तापमान का रेशो है, ये मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता दे रहा हूं, 90 से 105, इन दोनों के बीच में 105 में से 90 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, 15। मतलब आप ले सकते हो 90 प्लस, आप जब 90 में प्लस मार दोगे 105 आ जाएगा, ऐसे ही फिर याद रखना, फिर प्लस 15 कर देना तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये आपको दो याद हो जाएंगे, 90 के बाद हम पहुंचे उसमें प्लस 15 किया, हमको याद रखने की जरूरत नहीं कितना प्लस 15 किया, 105 पहुंच गए, फिर प्लस 15 किया तो 120 आ गए। यहां से आपको थोड़ा सा बी पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बी में आपका 10 का अंतर है, आप 120 में 10 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और जैसे ही आप 130 से आप 155 जाओगे तो इन दोनों के बीच में देखो 130 से 155 के बीच में 25 का अंतर है, 130 से जैसे ही आप यहां पर 130 से प्लस 25 कर दोगे आप 10, अब यहां पर आप दोनों को ले लोगे 15 10 25, 25 आप यहां पर प्लस कर दोगे तो आप 155 में आ जाओगे, फिर आप फिर 25 प्लस कर दोगे तो आप यहां 180। अब ये सेम टू सेम है आपके, जो जितना ये इसमें से पूछता भी नहीं है वो तो सबसे अधिकतम श्रेणी वाला, इसको ज्यादातर सी प्रकार का माना जाता है। ये कौन सा प्रकार का माना जाता है, सी प्रकार का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक तापमान को सहने वाला पदार्थ कौन सा है या किस श्रेणी में आता है, तो आप कहोगे सी श्रेणी। कौन सी श्रेणी में आता है, सी श्रेणी में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 130, ज्यादातर ऐसे पूछ लेते हैं कि 155 जो है वो किस श्रेणी में आएगा, तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या तो अगर आपको 155 दे दिया तो ठीक है, वो नहीं दिया, अगर ये संख्या दे दी आपको तो ये क्रम ऐसे ही आप याद करोगे तो इसमें 10
पहले 15, 15, 10, 25, 25 और यहाँ पर जब 180 से जाओगे तो ये 20-20 का रेशो बन जाता है, ये 20 प्लस का बन जाएगा, यहाँ पर फिर 20 प्लस का रेशो बन जाएगा और यहाँ पर 30 का रेशो बन जाएगा, ये आपका अधिकतम वर्ग के उसमें आएगा। अचालक पदार्थ मैंने आपको पढ़ाए थे, तो अचालक पदार्थ में आपको एक तो ये फाइबर है, अभ्रक, अभ्रक सब में है, देखो आपको एक कॉमन ढूंढना पड़ेगा, 90 और 050 मतलब 105 पर देखो आपका सूत्र इसमें है सूत्र, दूसरा आपका इसमें देखो इसमें भी क्या है आपका सूत्र है, दोनों का क्या है कॉमन है, कॉमन इसमें भीगा कागज है, इसमें सामान्य कागज है, लेकिन कागज है बस आपको यह ध्यान रखना 105 में आपका भीगा कागज है, रेशम दोनों में कॉमन हो गया। यहां पर फिर कॉमन ढूंढो आप 120 में, ई का जो कितना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें लैमिनेट पेपर है और फाइबर है, आपको ये इधर पर नहीं मिल रहा है, लेकिन जब आप यहां पर जाओगे तो यहां पर आपका ग्लास एवेस्ट है अभ्रक, उसी के जस्ट नीचे जाओगे तो एवेस्ट आपको ये मिल गया है, एवेस्ट किस में मिला 155 में मिला और 130 में आपको दोनों कॉमन मिल गया, दोनों मिल गया, फाइबर ग्लास इसमें यूज किया है, इसमें नॉर्मल ग्लास का यूज किया है, दोनों में कॉमन ये चीज आ रही है आपकी। फिर आपका 180 पर जाओगे तो एवेस्ट में आ जाता है, यहां पर आपका एवेस्टस ये आ जाता है, ये दोनों का कॉमन है, माइका, माइका जो होता है और अभ्रक होता है एक ही चीज है, यहां पर माइका लिख दिया हूं मैं, यहां पर अभ्रक लिखा हूं, ये भी दोनों का कॉमन है। फाइबर ग्लास अब आप देखो 155 पे आपका फाइबर ग्लास है और यहां भी फाइबर ग्लास है, दोनों का कॉमन मिला है। माइका सभी में जो आपके अधिकतम तापमान पर जाते हैं सब में माइका आएगा, माइका इसमें है, चीनी मिट्टी अलग मिलेगा आपको और कांच अलग मिलेगा, ये मतलब अधिकतम ताप सहने वाले पदार्थ है, एक आपका चीनी मिट्टी और एक आपका कांच, सी प्रकार में ध्यान रखना, कांच चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी से बने पदार्थ, से बने पदार्थ ये आपके सी प्रकार में आते हैं, जो आपका सबसे टफ होता है उस सी में आते हैं, ये आपको सारणी ध्यान रखना पड़ेगी क्योंकि भैया इसके बिना काम नहीं बनता, पूरा अचालक के जो आपके क्वेश्चन मैं आगे आपको लिखवाऊंगा वो पूरे के पूरे अचालक से आपके इसी से पूछे जाते हैं। जब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार, ये क्लास आपकी काफी लंबी क्लास हो गई है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास पहुंच गई होगी, लेकिन क्या कर सकते थे, अपने पास एक एक चैप्टर को समझने का जो कहना चाहिए टाइम जो था वो एक एक चीज को समझ रहे थे जिससे हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और अगर ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इलेक्ट्रिसिटी की जो तैयारी कर रहे हैं या जो जानकारी सामान्य पा रहे हैं उनको भी आप लोग शेयर कर दें तो अच्छा लगता है। ओके, बाकी जब तक के लिए आपकी आगे की क्लास के लिए नमस्कार।